बिहार में कोई भी वैकेंसी जब निकलता है उसके बाद छात्र जब परीक्षा देते हैं उसके बाद कोई ऐसा परीक्षा नहीं हो जिससे क्वेश्चन लीक नहीं होता है। 8 साल के बाद BSc CGL 3 का वैकेंसी निकला था। लंबे समय से छात्र मेहनत करके जब परीक्षा दिए, परीक्षा सेंटर से जब बाहर निकले तो पता चला कि इसका भी क्वेश्चन लीक हो चुका है। तो आखिर उन गरीब छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जाता है? मेरे साथ अभी छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं और उनका दावा है कि इस बार भी BSc CGL 3 का जो एग्जाम हुआ उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया। चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं और सत्य क्या है हम जानते हैं। लंबे समय के बाद BSc CGL 3 का एग्जाम होता है, उसके बाद आपके दावे के अनुसार कि इस पेपर का भी क्वेश्चन लीक हो गया, कहाँ तक सही है? देखिए पूरी तरह से सही है। हमारे पास 10-53 में आया था, हमने 12-15 में जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद जब अभ्यर्थी बाहर निकले DN कॉलेज बोरिंग रोड पटना में, तो हमने मिलवाया सबसे पूछा तो उन लोगों ने कंफर्म किया कि सही है क्वेश्चन, यही से क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ कुछ। अभी कितने बजे आए? 10:53 में मेरे पास आया। 10 बजे से एग्जाम है। 10 बजे से था, 12 बजे में आ जाता है। 10:53 में आया था, मेरे पास आया। बाकी लोग के पास कब आया ये तो मुझे नहीं पता, किसके पास कहाँ आया, हमने किसी ने भेजा, ये तो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, नहीं तो हमने आर्थिक अपराधिकारी को बता दिया। और उसके बाद हमने इस चीज़ को आर्थिक अपराधिकारी को भेजा, समस्त मीडिया बंधुओं को भेजा था। और हम चाहते हैं सरकार से कि इसकी CBI जांच हो और 67वीं BPSC का जो पेपर लिखा उसकी भी CBI जांच हो, नहीं तो फिर कब तक इस तरह का खेल बिहार में चलता है। अच्छा, CGL 3 का जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास कितने क्वेश्चन आए थे? देखिए अब हमने गिना नहीं है अभी तक, ये 10-12 पेज में है और हर पेज में लगता है 8-7-5 क्वेश्चन जो भी है और पूरा सेम टू सेम मैच कर दिया, सब क्वेश्चन हुआ जितना आया सब मैच है। जुगौली की संधि कब संपन्न हुई बता रहे हैं, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, भारत में हरित क्रांति के जनक, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये सब क्वेश्चन। ये तो आखिर छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं कौन ऐसे हैं जो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं? देखिए ये शिक्षा माफिया है, बिहार में एक बहुत बड़ा उद्योग लग गया है। जिस तरह से शराब बंदी है बिहार में ना, शराब दिखता नहीं लेकिन मिलता हर जगह, आपके अनुसार सिर्फ बेचा जा रहा है। यहाँ भी वही है, शिक्षा माफियाओं की एक फैक्ट्री लग चुकी है बिहार में, सेटिंग की फैक्ट्री, सेटिंग उद्योग, जो कि दिखेगा नहीं आपको लेकिन पटना में या बिहार के हर जिले में चल जाए चाय दुकान पे आपको मिल जाएगा सेटिंग कराने वाले। जो अभी और नौकरी की बोली लग रहा है, जो और शिफ्ट के एग्जाम होने वाले हैं उनका तो मनोबल टूट गया। देखिए निश्चित रूप से मनोबल टूटता है स्टूडेंट का, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए, बाकी जहाँ गड़बड़ी हो रही है वहाँ हम लोग को मिलकर लड़ना भी है। अच्छा, कारण क्या है कि बराबर के पास ही क्वेश्चन कोई भी नहीं पता है तो आता है और किसी के पास नहीं आता है? क्या और किसी में है हिम्मत बिहार में कि वो सरकार से पंगा ले सके? यानी आप सरकार से पंगा ले रहे हैं? सरकार से पंगा ले सके, शिक्षा माफियाओं से पंगा ले सके और अरबों रुपया का करोड़ों रुपया का ऑफर ठुकरा सके, क्या कोई है बिहार में तो बताए? हमारे पास तो पेपर आता है तो हम चाहेंगे तो पैसा कमा सकते हैं, इससे सेटिंग का धंधा कर सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं कर रहे, उसके विरोध भी लड़ रहे हैं। तो बहुत लोगों के पास आया होगा BPSC का भी क्वेश्चन, दरोगा का भी क्वेश्चन, लेकिन सब लोग अपना पैसा कमाने में लगे रहे। हमने उस चीज़ को सरकार को भेजा, उजागर किया कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हो तो हमारा मकसद हो सकता है कि आपका भी नाम आ जाए कि इसमें कि आप भी पैसा कमाने के लिए करते होंगे, तो सरकार के हाथ में हो चाहेगी तो फंसा सकती है, लेकिन जांच होगा तो फिर क्या सबूत मिलेगा? क्या चाहते हैं? अगर सरकार जांच करेगी ना, किसी पे आरोप आप लगा सकते हैं लेकिन उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा ना। हम ये एग्जाम खत्म होने से पहले हमने नहीं कहा कि पेपर लीक है, हमने तो नहीं कहा, हमने कहा अफवाह भी हो सकता है सही भी हो सकता है। जब मैच हो गया तब हम बोले कि पेपर लीक था। हम ये भी नहीं कह रहे कि कितना घंटे पहले लिखता, हम ये कह रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन बाहर आया कब आया ये जांच का विषय है, तो ये नहीं कहा जा सकता है। और जिसके पास भी आया होगा और लोगों के पास आया होगा, सबका अपना अपना सोच होगा। मेरी सोच क्या है? सत्य के मार्ग पे चलना है, अन्याय का विरोध करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, मेरा सिद्धांत है। हम अपने सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। किसी का सिद्धांत होगा कि पैसा लेके सेटिंग करना है, किसी का सिद्धांत होगा पैसा लेके दूसरे का सेटिंग कराना है, किसी अधिकारी का अपना उसका सिद्धांत होगा कि करोड़ों अरबों रुपया कमा के बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लो, तो अपना अपना सिद्धांत पे लोग काम कर रहे हैं। आपने जो अभी क्वेश्चन दिखा दिया, लेकिन जो अभी और शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा, हो सकता है कि एग्जाम नहीं दे, क्योंकि जब क्वेश्चन ऐसा लिखा जाता है तो क्या बोला था जो आने वाले शिफ्ट में है उसका भी क्वेश्चन लिख हो जाए? ये तो सही है कि मनोबल टूटता है। जब मेरा मनोबल टूट रहा है, जब हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो एग्जाम दे रहे हैं उनका क्या हाल होगा? हम जब से देखे हैं, मिला है एग्जाम के बाद, तब से हमारा एकदम क्या कहे कि अंदर क्या हो रहा है,
और जो एग्जाम दे रहे हैं उनका क्या हालत होगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए सकारात्मक सोच के साथ। आप एग्जाम 8 साल के बाद वैकेंसी निकला है और फिर ऐसा 8 साल के बाद वैकेंसी आई है और CGL 3 में पेपर लीक हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। और बड़े आश्चर्य की बात आपको लगेगा कि इससे पहले CGL 1 CGL 2 की जो परीक्षा हुई उसका भी पेपर लीक था। CGL 2 की भी का भी पेपर लीक था ना, ऐसा पूरे किसी का हुआ है उसका भी पेपर लीक हुआ था। आपको बताते चले कि 2014 में जब इंटर लेवल का जब BSSC का एग्जाम हुआ था उसमें भी धांधली हुआ था और कुशल लीक हुआ था। इसके बारे में अभी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।